तेरे चेहरे का जाना कुछ ऐसा जादू छा गया, और मेरे चांद को देख के वो चांद भी शर्मा गया। ये लाल दुपट्टा, लाल दुपट्टा उड़ गया मेरी हवा के झोंके से, और उनको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। ये माना उसे दिल देगा वो, मगर उसकी जान लेगा। जिस समय महाभारत होने वाला है, कर्ण के शिविर के पास पहुंच गई माता कुंती। माता कुंती पहुंची, कर्ण ने देखा, अरे आज मेरे द्वार पर कैसे? कुंती ने कहा, बेटा एक राज मैं तुझे बताना चाहती हूँ। मैं तेरी माँ हूँ, वो पांचों पांडव तेरे भाई हैं। कर्ण चल अपने भाइयों के पक्ष में खड़ा हो जा। कर्ण ने कहा, माँ तू मेरी माँ हो? अरे कैसी माँ हो, कैसी माँ हो? लोग मुझे सूत पुत्र कहते थे, राधे कहते थे। तब एक बार कह देती कि मैं तेरा बेटा हूं। खैर छोड़ो, बताओ कहाँ आई हो? कर्ण बोला, कहा माँ, अगर तुम कह रहे हो कि माँ हो तो सुनो, कैसी माँ हो? अरे माँ तो हमारी राधा है, जिन्होंने हमको पाला बड़ा किया। कुंती कहने लगी, बेटा मैं मजबूर थी, लोग लज्जा के कारण मैंने तेरा परित्याग कर दिया। कर्ण ने कहा, ये बाबा, कहा माँ कि तूने जिगर का टुकड़ा बहा दिया। टुकड़ा बहा दिया सरिता में बहाने से। कह रही हूं कि लोग लज्जा बस, क्योंकि मेरा जन्म तुम्हारे कुंवारेपन में हुआ। अरे कुंवारेपन में और भी तमाम ऐसे हैं जिनके जन्म हुए, उनको कितना सम्मान मिला। सोचो, तूने जिगर का टुकड़ा बहा दिया, जिगर का टुकड़ा बहा दिया सरिता में बहाने से। तो क्या पाओगी अब आंसू ममता के बहाने से? क्या पाओगी अब आंसू ममता के बहाने से? माना के तेरा लाल हूं मैं, फिर भी बेहाल हूं। कुंती कि लाल को लाल नहीं माना, मेरी जान के लाले थे। तू तो मुहे बच्चे को धारा में फेंका, वो तो मेरी किस्मत थी, मैं जिंदा हूं। कि लाल को लाल नहीं माना, मेरी जान के लाले थे। पल्लवित नहीं हुई न खुले जुबान के ताले।
ये श्री दया शंकर तिवारी जी जगजीवनपुर आपने लिखा है कि जवाब पर पुरस्कार दिया जा रहा है। ये सौभाग्य है बच्चों का कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई है, धन्यवाद है। श्री नीरज कुमार जी कोषाध्यक्ष जय माँ कुमाश्री सेवा समिति जगजीवनपुर उन्नाव आपके द्वारा भी इक्यावन ग्राए गीत को सुनिएगा। जब लोग मुझे सूत पुत्र राधे कहा करते थे तब भी तेरी ममता नहीं जागी कि लाल को लाल नहीं माना मेरी जान के लाले थे के पल्लवित नहीं हुई ना खुले जुबान के ताले थे हमें पाई पालना पापल भर हमें पाई पालना पापल भर और हमें मिला पालना नापल भर तो हो फर्ज हमारा। अब मैं उधर नहीं जा सकता कारण कि मेरे खून में तो दुर्योधन का नमक है और जब तक ये नमक हमारे शरीर से नहीं निकल जाएगा तब तक मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। हो फर्ज हमारा पूरा खून समता में बहाने से क्या पाओगी अब आंसू ममता के बहाने से माना के तेरा लाल हूं मैं मगर बेहाल अरे मेरी माँ तो राधा है क्यों क्यों किया पैपान है राधा का जिसने खिलाया बाहों में काटे ही काटे तुमने सदा बिछाए राहों में जीवन में मिला नहीं कल है पर तन तुम्हारा निश्चल है। ओए माता अगर कह रही हो कि तुम मेरी माँ हो तुम्हारी ममता एक बार भी नहीं जागी एक बार भी नहीं जागी। अरे खुले आप ना सही चोरी छुपे ही सही एक बार पिलाया होता एक बार पिलाया होता दूध क्षमता का बहाने से क्या बात है एक बार पिलाया होता दूध क्षमता का बहाने से अरे क्या पाएगी अब आंसू ममता के बहाने से माना के तेरा लाल हूं मैं मगर बेहाल हूं कहने लगा कर्ण कि अब मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता हूं नहीं छोड़ सकता। तुम पांच बार मांगने आई हो तो मैं पांच बार तो नहीं लेकिन एक वचन देता हूं क्या कि मुझको आशीर्वाद तो देवी निज कर्तव्य निभाऊं मैं अरे अर्जुन को मारूंगा या निज गंतव्य को जाऊं मैं वचन देता हूं कि तेरे पांच पुत्र जीवित रहेंगे इस साच को आए आज नहीं कम होंगे तेरे पांच नहीं
तेरे पांच पुत्र जीवित रहेंगे, अगर अर्जुन मरा तो मैं तेरे पास आ जाऊंगा, अगर अर्जुन नहीं मरा मैं मरा तब तो तेरे पास रहेंगे ही। इस साच को आए आज नहीं कम होंगे तेरे आज नहीं, अब ना करवा पाओगी एकता बहाने से, क्या पाओगी अब आंसू ममता के बहाने से, ये माना तेरा लाल हूँ मैं मगर बेहाल हूँ। ये बाबूलाल जी अंतिम पंक्तियां जोड़ता हूं, कर्ण मारा गया, कर्ण मारा गया, माता कुंती अपने आप को नहीं रोक पाई, जीवन में राज छुपाती मिलती नहीं, लेकिन जब कर्ण मारा गया तो नहीं रोक पाई। पितृपक्ष में जब तर्पण हो रहा है, धर्मराज तर्पण कर रहे हैं, सारे तर्पण पूर्ण हो गए, कुंती ने कहा रुको धर्मराज अभी एक तर्पण बाकी है, इसका तुम्हारे बड़े भाई कर्ण का, कर्ण मेरा बड़ा भाई। धर्मराज ने कहा काय माता कुंती ये बात आज के पहले कभी क्यों नहीं बताई, अगर पहले बता दिया होता तो हम पांचों भाई ये महाभारत का महायुद्ध नहीं करते, हम पांचों भाई उनकी सेवा करते, ये ताज उनके सर पर सजा देते, हस्तिनापुर का उनका उनको राजा बना देते। अगर राज देती पहले, अगर राज देती पहले ये राज उन्हें देता मैया, आज के पहले ही ये सर का ताज उन्हें देता श्राप दे दिया कि आज के बाद नारियों के पेट में कोई बात ही अजब नहीं होगी। तेरे कारण मेरा तात नहीं तुले श्राप हजम हो पात नहीं, कि ममता नहीं उभरी क्यों निर्ममता में बहाने से, क्या पाओगी अब आंसू ममता के बहाने से, माना तेरा लाल मैं मगर बेहाल एक वो छोटा टुकड़ा आपको दे रहा हूं। ये बाबूलाल जी काफी गंभीरता की तरफ कार्यक्रम चला गया है, तो फिर थोड़ा हल्का कर रहा हूं। कुछ समय पहले एक धुन बजी थी, इस धुन को कीर्तनकारों ने बहुत कम गाया है, कीर्तन में मैं तो जब से गा रहा हूं मुझे नहीं सुनाई पड़ी, कोशिश कर रहा हूं तो टुकड़ा मैं आपको सुनाऊं। गीत जो था कौन सा, इन्हीं लोगों ने ले ली नाथ पट्टा मेरा, हमरी न मानो बजजवा से पूछो, हमरी न मानो बजजवा से पूछो,
जिसने 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 गुलाबी रंग दीना दुपट्टा मेरा जबकि सुना अब फिल्मी गाना कह रहा कि इन्हीं लोगों ने दो खास बातें हैं गीत में भैया बाबूलाल जी इन्हीं लोगों ने और हमारी न मानो कि दोनों को ला रहा जिस समय प्रभु राम चल पड़े माता जानकी के साथ पित्त पक्ष है तर्पण करना है श्राद्ध करना है पहुंचे फल्गु नदी के किनारे जानकी से कहा जानकी तुम रुको मैं पिंडदान करना है थोड़ी सामग्री की व्यवस्था करो वापस नहीं आए समय निकलता जा रहा है इधर उस जमाने में पितरों के हाथ निकल के आते थे पिंड ग्रहण करने के लिए दशरथ जी का हाथ निकल आया कि बहू मुझे पिंडदान चाहिए विलंब हो रहा है माता जानकी ने बालू के पिंड बनाए और पिंड बना करके दान कर दिया प्रभु राम आए अब प्रभु राम पिंड दान कर रहे हैं लेकिन हाथ नहीं निकल रहा है सीता जी ने कहा प्रभु आपको आने में विलंब हुआ हाथ निकला मैंने बालू का पिंड दान कर दिया अब प्रभु राम को विश्वास नहीं हो रहा था कि कहीं बालू का पिंड ग्रहण करेंगे पितर तो माता जानकी ने कहा प्रभु अगर आपको विश्वास नहीं है जब मैंने पिंडदान किया तो इन्हीं लोगों ने कुछ लोग देख रहे थे जब मैंने बालू का पिंड दान किया इन्हीं लोगों ने देख ली ना तर्पण मेरा हमारी न मानो हमारी न मानो पिपरवा से पूछो पीपल का पेड़ देख रहा था हमारी न मानो कैया से पूछो ये कैया भी पास में चल रही थी इसने भी देखा है कि हमारी न मानो तो नदिया से पूछो फल्गु नदी से पूछ लीजिए और हमारी न मानो कौआ से पूछो हमारी न मानो पंडा जी से पूछो हमारी न मानो जिसने बालू पिंड स्वीकार की ना वो अर्पण मेरा इन सभी ने नाथ चीना समर्पण मेरा प्रभु राम ने पूछा पीपल ने कहा भाई मैंने तो नहीं देखा देखा था लेकिन मना कर दिया कि मैंने नहीं देखा झूठ बोला माता जानकी ने श्राप दिया कि जाओ आज के बाद तुम अचल दल हो जाओगे उस जमाने में पीपल का पेड़ चलता फिरता था समझो
कैया को श्राप दिया, कह गैया तूने झूठ बोल दिया, जा मेरा श्राप है कि तेरा मुख अपवित्र हो जाए। ये बाबूलाल जी यही कारण है कि कैया विष्ठा गाती, समझो माता सीता का श्राप है। गाय की अगर पूजा होती है तो पिछले हिस्से की पूजा होती है। नदिया फल्गु नदी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम अधोमुखी होकर बहोगी। फल्गु नदी की धारा आज भी बालू रेत के नीचे बहती है, खोद करके पानी निकालना पड़ता है। और पंडा जी को श्राप दिया कि तुम झूठ इसलिए बोले कि अगर राम पिंडदान करेंगे तो हमको दक्षिणा ज्यादा मिलेगी, कहीं दक्षिणा ना कट जाए। पंडा को श्राप देते कि जाओ तुम्हारी आत्मा कभी तृप्त ही नहीं होगी। यही कारण है आप पंडों को देखिए, 11 देव, 21 लाओ, 21 देव, 51 लाओ, 51 देव, एक से एक लाओ, तृप्त नहीं होते। केवल परगत ने सच्ची गवाही दी कि हाँ प्रभु मैंने देखा है, तो परगत को प्रदान दिया, बाकी सबको श्राप। इन्हीं लोगों ने नाथ देखा है तर्पण मेरा, और ये 51 ग्राय नीरज कुमार जी कोषाध्यक्ष जय माँ कमासनी सेवा समिति जगजीवनपुर उन्नाव, धन्यवाद है। फिर आ रहे हैं ये बाबूलाल जी। कोई विशेष बात ना कहते हुए बड़े भैया ने खड़े होकर के कुछ बातें कही हैं। दुपट्टा मेरा भैया पिंडदान हुआ, भगवान श्री राम पिताजी का श्राद्ध कर रहे हैं। एक कथा आपने बताई है, वहां पर सारे ऋषि मुनि भोजन कर रहे हैं, ऋषि मुनि भोजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम ने देखा कि सीता कहीं नजर नहीं आ रही है। आपकी लाइन आ रही है,
इन्हीं लोगों ने देख लीना है तर्पण मेरा क्या हमरी ना मानो तो गैया से पूछो हमरी ना मानो तो परगत से पूछो परगत से पूछो बालूपिंड स्वीकार कीना है अर्पण मेरा इन्हीं लोगों ने देख लीना है तर्पण मेरा अच्छी बात बहुत बढ़िया भगवान राम देख रहे हैं आखिर बात क्या है यहाँ सीता नजर नहीं आ रही है जब ऋषि मुनि भोजन करके चले गए भगवान राम ने कहा सीता आखिर बात क्या है कहाँ चली गई थी ऐसे समय में तुमने साथ नहीं दिया कहा प्रभु क्षमा चाहते हैं बड़े भैया सुनिए कहा प्रभु कुछ भी ना सोचो प्रिया की तो मानो स्वामी और कुछ मत सोचिए कि मैं क्यों नहीं दिखी कुछ भी ना सोचो ना कुछ और सोचो प्रिया की तो मानो जानो जान जान की तो जान की जानो अरे आप तो जान जान की जानने वाले जानो जान जान की तो जान की जानो और जान की जानो जिनके लिए मन तरसा है बरसन मेरा बड़े भैया जिनके लिए मन तरसा है बरसन मेरा तो तीन रूपों में अरे तीन रूपों में कर पाना वो दर्शन मेरा अरे जब यह ऋषि मुनि भोजन कर रहे थे अचानक मैंने देखा कि सामने पिताश्री है सामने अपने पिताजी की छवि दिखाई दी और एक नहीं उन्हीं की हम शक्ल दो लोग और दिखाई दिए साथ में तो मैं शर्म के मारे झाड़ियों में जाकर के छुप गई थी प्रभु इससे और कुछ ना समझ तीन रूपों में कल पाना वो दर्शन मेरा तो कारण ना सन्मुख भैया आपका सुंदर सा टुकड़ा था लेकिन गीत बड़ा मजबूत आया है लेकिन आप बहुत बड़े हैं हमसे जाना
चांद भी शर्मा गया। तुम मुझे शर्म सी आए आने दो, इनको क्या लेना देना। तो आबाहों में चूक न जाए ऐसे मौके से, हर मुझको पिया ने देख लिया कायर धोखे से। माना कि मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा। अरे भैया आपकी लाइनें कह रही हैं, अरे जिगर का टुकड़ा बहा दिया सरिता में बहाने से, और क्या पाएगी अब आंसू ममता के बहाने से। कहते हैं कि सुनने वाले दस भी हो तो वो दस लाख से भी बढ़कर होते हैं। ये क्रीम श्रोता यहां पर बैठे हुए हैं, निवेदन करूंगा सुनिएगा, बड़े भैया की पंक्तियां बोल रही हैं कि जिगर का टुकड़ा बहा दिया सरिता में बहाने से, अरे क्या पाएगी अब आंसू ममता के बहाने से। माना कि तेरा लाल हूं मैं मगर बेहाल हूं। बड़े भैया जब इतना कर्ण ने कहा, देखिए कुंती ने क्या कहा। कुंती रोने लगी, कहा बेटा कर्ण क्या बात सुनी जब कर्ण की ऐसी, तो मन में दुख सहने लगी। अब बिलख बिलख कर माता कुंती कर्ण से यूं कहने लगी, कहा बेटा के मजबूरी थी माँ की। बेटा कर्ण मजबूरी थी माँ की, तुझको बड़ा बहाना है। मजबूरी थी माँ की, तुझको बड़ा बहाना है, लेकिन तुझे बहाना लगता आज आंसू का बहाना है। अरे तुझे बहाना लगता ये आंसू का बहाना है, खाई ये मां तो है तेरी के खुद से मां तो है तेरी। बेटा अरे खाई ये मां तो है तेरी खुद से। बेटा कर्ण तू कह रहा है कि मुझे जल में बहा दिया। हाँ बेटा, लेकिन जरा समझ कि अपनी करनी से तुझको बेटा कर्ण माँ की करनी से तुझको बड़ा कष्ट वो सहना है। बड़े भैया अगर ये लाइन पसंद आए तो आप बड़े हैं आशीर्वाद दीजिए। बड़ा कष्ट वो सहना है, पर बेटा इस दुनिया में लज्जा नारी का गहना है। बेटा अरे
पर बेटा इस दुनिया में लच्चा नारी का कहलाए। तो ले बात हमारी मान जरा, कर ले मन से अनुमान जरा। और मुझे याद है बेटा कि जब भरी सभा में तेरा अपमान हो रहा था, तो भरी सभा में पड़ा मुझे वो नजर चुराना है। कारण है कि भरी सभा में पड़ा मुझे नजरों को चुराना है, पर आज बहाना लगता ये आंसू का बहाना है। अरे खाई ये मात है तेरी, अरे खाई ये मात है तेरी, खुद से भैया जी। माता कुंती ने कहा बेटा कर्ण, आज तेरी माँ तुझसे कुछ मांग रही है, तेरे पास जो 5 बाण रखे हैं वो मुझे दे दे। क्यों? मुझे पता है उन 5 बाणों से क्या होने वाला है। कर्ण ने कहा आज मुझे बेटा कह रही हो या आंसू बहा रही हो? अरे अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। दहाड़ मार करके रोने लगी माता कुंती और कहती है कि बेटा ठीक है तुझे जैसा लगे वैसा कर, लेकिन याद रखना के लिखा भाग में जो विधि नाने वही तो निश्चय होना है। भैया सत्य है बेटा। अरे मरे कर्ण या कि अर्जुन माता को तो बस लोना है, मरे कर्ण या कि अर्जुन माता को तो बस लोना क्योंकि भैया जी भाई साहब इस लाइन को सुने। अरे मरे कर्ण या कि अर्जुन माता को तो बस रोना है, ममता तो आखिर ममता है, ना इसमें कोई विषमता है। बेटा कर्ण ममता तो आखिर ममता है, इसमें ना कोई विषमता है। चाहे कर्ण मरे चाहे अर्जुन मरे, रोना तो है मुझे बस रोना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी निशानी ही होगी। भैया अरे भैया मेरी निशानी हुई होगी और मेरा ही निशाना है। वाह भैया बहुत ही सुंदर। मेरी निशानी ही होगी, मेरा ही निशाना है, आज बहाना लगता तुझे आंसू का बहाना है। खाई ये मात है मुताबिक।
में कहा, जब हर तरह से माता कुंती विवश हो गई तो कहने लगे, कर्ण ने कह दिया कि जाओ जाओ, लेकिन एक बात सुन लो, तब तक इस राज को राज रहने देना जब तक अर्जुन मेरे प्राण न हर ले, किसी को बताना नहीं, लेकिन एक वचन मैं भी तुम्हें दे रहा हूं, एक वचन तुमसे हरा रहा हूं और एक वचन मैं तुम्हें दे रहा हूं, जाओ तुम्हारे पांच पुत्र हैं, लोगों की नजर में दुनिया की नजर में तुम्हारे पांच पुत्र हैं, तो ये पांच के पांच ही रहेंगे, कर्ण मर जाएगा तब भी पांच रहेंगे, अर्जुन मर जाएगा तब भी पांच रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुंती ने कहा, अरे तब से लेकर के अब तक जब से तुझे बहाया तब से आज तक, तब से लेकर के अब तक, नजरा नजरों ने नजारा है। बड़े भैया, अरे नजरा नजरों ने नजारा है, लेकिन मुझको लगता है पास ना कोई चारा है। क्यों? क्योंकि मेरी मजबूरी थी और आज मैं मजबूर हो गई। तब से लेकर के अब तक नजरा नजरा ने नजारा है, लगता मुझको अब तो कोई पास न मेरे चारा है। अरे पास हर दुख को संजोया है मैंने, पाकर अरे पाकर सब खोया है मैंने, और अब मुझे लगता है क्या के समर बचाने का मेरे लिए समर बचाने का लगता अब हक भी बचाना है, समर बचाने का लगता अब हक भी बचाना है। क्यों? क्योंकि आज बहाना लगता तुझे आंसू का बहाना है, खाई ये मात है तेरी ममता, ला